कैसे? जी राणा साहब, क्या 8 से 10 हफ्ते किस काम के लिए अदालत से मांगे गए हैं, और क्या आप लोगों को, लवाइकीन को कुछ बता सकते हैं क्या स्कीम है हुकूमत की? देखिए, इस सिलसिले में जहाँ तक इस इशू का तल्लुक है, इससे ज़्यादा दुखी इंसान की खिदमत किसी और जगह नहीं हो सकती कि आप लोगों को उनके अजीज़ों से, उनके प्यारों से जो मिसिंग पर्सन बन चुके हैं, जिन्हें गायब कर दिया गया है, उनसे मिलाया जाए। इस सिलसिले में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो यानी उन्होंने ये केस में ऑब्जर्वेशन आज दी हैं, इससे पहले उन्होंने जिस तरह से इस मामले को जो है वो इस मामले पर जोर दिया है, उससे किसी न किसी हद तक जो है वो लोगों को रिलीफ भी मिला है। इस बात को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, और गवर्नमेंट की तरफ से जो एफर्ट्स हुई हैं उससे भी किसी हद तक जो है वो लोगों को जो है वो रिलीफ मिला है। लेकिन इस बात को एक लॉजिकल एंड तक पहुंचाने के लिए और इस इशू को ख़त्म करने के लिए मैं समझता हूँ कि जो बातें यहाँ ओपन कोर्ट में हो सकती हैं, जिन हकीकतों का इदराक और बयान जो है वो ओपन कोर्ट में हो सकता है, इसके अलावा भी कुछ हकीकतें हैं कि जिनका यहाँ पे बयान ना आज हुआ है, ना इससे पहले हुआ, और आइंदा भी शायद ना हो सके। मैं समझता हूँ उन हकीकतों को का इदराक भी, और फिर उसके बाद इस मसले के हल के लिए मदद भी जो है वो इसी सूरत में हो सकती है कि या तो ये मुअज़्ज़ज़ अदालत, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इन कैमरा जो है वो सुने और फिर सारी बात की जाए वहाँ पे। और इमरान खान कहते हैं मैं जेल जाके और ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा, ये करने की बातें हैं। जब जेल जाएगा तो फिर समझ आएगा। वैसे जेल जाने का मौसम जो है वो गुजर रहा है, ये जुलाई अगस्त में भेजना चाहिए।